आपके समक्ष ये साखियां पढ़ता हूं और उम्मीद है कि आप एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। कबीर की साखियां देखिए। मान सरोवर सुभर जल हंसाकेल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। इस साखी में कबीर दास सांसारिक विषयों काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त व्यक्ति के बारे में दर्शाते हुए कहा भी गया है। और देखिए इन 1, 2, 3, 4, 5 इन काम क्रोध मद लोभ मोह से जो मुक्त रहेगा वही प्रभु के सच्चे दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। मानसरोवर मानव चेतना का वह चरम बिंदु जहां साधक आनंद को प्राप्त कर भाव विभोर हो जाता है। सुभर माने स्वच्छ और मुक्ताफल हंस का एक पर्यायवाची है। हंसा माने हंस। यहां व्याख्या की है जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में केली कर रहा है और आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से छूटकर जीव भरकर चुग रहा है। इस सुख को छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। इस साखी में इन लाइनों में कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और मानव से कहा है कि यदि तुम काम क्रोध मद लोभ मोह को छोड़ दोगे तो क्या होगा कि उस सुख की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि वहां स्वर्ग में सुख ही सुख है। जब आत्मा परमात्मा से मेल हो जाता है तो वह फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है और वह एक अपूर्व आनंद का अनुभव करती है। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिखकर आए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत जले। क्योंकि अब वो हंस जो है, जो आत्मा रूपी जो हमारा हंस था वो उड़ के स्वर्ग में चला गया है, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया है। अब वो नहीं चाहता कि मुझे कहीं और जाना पड़े क्योंकि यही सुख ही सुख है। अगला देखिए, यहां इसका भाव सौंदर्य प्रकट किया। जीव परम ब्रह्म के मिलन के आनंद का त्याग नहीं कर सकता। जब वह जीव ब्रह्म से मिल गया, भगवान से मिल गया, तो उसका आनंद तो अपार है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर ने मनुष्य को सांसारिक मोह बंधन से छुटकारा पाने की प्रेरणा दी है। केल कराहे मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। अब यहां देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर द्वारा रचित साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम कहा है। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, अर्थात मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। तो देखिए, आपने अपने आप को प्रेम कहा है कबीरदास जी ने इस साखी में। प्रेमी भी कैसा जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है, इसी प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीरदास जी का कहना है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, प्रेमी माने प्रेम करने वाला। मैं ढूंढत फिरो ढूंढता फिरता हूं, मिले न कोई कोई नहीं मिलता, विष अमृत हो जहर भी अमृत बन जाता है, विरोधी भी प्रिय बन जाते हैं। व्याख्या देखिए,
कि इस मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूं, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता जो कठिनता है वो दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। काव्य सौंदर्य में देखिए, प्रेमी से तात्पर्य है ईश्वर का भक्त। स्वयं कवि कबीरदास जी प्रेमी हैं और वो अपने प्रेमी ईश्वर से मिलना चाहता है। प्रेमी प्रेमी के मिलन से बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण द्वारा समझाया गया है, दोहा छंद और सरल भाषा है। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ कबीरदास जी करते हैं अपनी साखियों के माध्यम से। अब देखिए तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो सहज दुली चाडारे। हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो सहज दुली चाडारे। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से उद्धृत प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को सचेत किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती माने हाथी, सहज माने सहज शब्द का प्रयोग कबीर जैसे ज्ञान मार्गी कवियों ने किया है। सहज माने सरल सुलभ, दुलीचा आसन बिछाने का कालीन। स्वान माने कुत्ता, स्वान होता है कुत्ता जो भौंकता है, भौंकन दे भौंकने दो, झक मारे माने जबरदस्ती। हाँ देखिए कुत्तों से अलग रहिए आप, क्योंकि कुत्ते जो हैं चाहे काटे चाहे चाटे दोनों ही स्थितियों में बराबर है। रहीमदास जी ने कहा है, रहिमन ओछे नरन ते तजो वैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। कुत्ते पालते हैं लोग घरों में, उनके साथ बैठते हैं, उनसे मस्ती करवाते हैं, चाटते हैं, प्यार करते हैं। कुत्ते से अलग रही, वो तो स्वान है बेटे, वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या भी जूते चाटने छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने स्वभाव को व्यक्ति नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी प्राणी हो या व्यक्ति हो। तो कहते हैं रहमन ओछे नरन ते, नर माने मनुष्य, हे रहीमदास जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे अच्छे व्यक्ति, हे विद्वान व्यक्ति, मैं तुम्हारे लिए कहता हूं कि तुम उन मनुष्यों से दूर रहो। रहमन ओछे नरन, जो छोटी बुद्धि के हैं, ओछे हैं। रहमन ओछे नरन ते तजो वैर और प्रीत, दुश्मनी भी छोड़ दो और मित्रता प्यार भी छोड़ दो। रहमन ओछे नरंते तजो वैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। अगर कुत्ता काट ले और चाट ले तो दोनों स्थितियों में उसका काटना और चाटना बराबर है, इंजेक्शन फिर भी लगवाने पड़ेंगे। अगर कहीं फोड़ा हो गया है आपके शरीर पर और उसने कुत्ते ने चाट लिया तो फिर भी इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। काटना भी तो उसका जहर, उसके रेबीज हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और उसके चाटने से भी हमारे शरीर में रेबीज प्रवेश कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो यहां क्या है कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए, है? अहंकार नहीं करना चाहिए। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं नाहे, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था, मैं था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही मैं हूं, तो मेरे पास ईश्वर नहीं थे। लेकिन जब मुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ है और गुरु जी ने मुझको ज्ञान दिया तो मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया, मैं निकल गया और प्रभु के नजदीक आ गया। रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है, झक मारना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कबीर ने ज्ञानी को सहजता का व्यवहार करने की सीख दी है
और संसार को ज्ञानियों पर कटाक्ष करने वाला बताया है।